मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है, ये तो डायबिटीज की बात हुई, हाई ब्लड प्रेशर आपको है तो आप तीनों प्राणायाम करिए, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, और हर दिन थोड़ी कुछ आयुर्वेदिक दवाएं ले लीजिए जो घर में ही है। जैसे एक बहुत अच्छी दवा आपके घर में है, दालचीनी। दालचीनी मसाले के रूप में आप यूज़ करते हैं, वो आप खाइए पत्थर में पीस के पाउडर बना के। आधा चम्मच दालचीनी रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ। और अगर थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो दालचीनी को शहद के साथ लीजिए, आधा चम्मच शहद आधा चम्मच दालचीनी गर्म पानी के साथ, बहुत अच्छी दवा है हाई बीपी के। दूसरी और एक अच्छी दवा है, आप चाहें तो वो उसे भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक, या तो वो या तो ये। दूसरी दवा है मेथी दाना। मेथी दाना आधा चम्मच लीजिए, एक गिलास गर्म पानी में रात को भिगा दीजिए, रात भर पड़ा रहने दीजिए उसको पानी में, सवेरे उठकर पानी को पी लीजिए और मेथी दाने को चबा के खा लीजिए, ये बहुत जल्दी आपका हाई बीपी ठीक करेगा, 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। और एक तीसरी दवा है हाई बीपी के लिए, अर्जुन की छाल। अर्जुन एक वृक्ष होता है, कहीं भी मिलता है, छत्तीसगढ़ में तो शायद हर जिले हर गांव में मिल जाता है। ये वृक्ष का जो तना होता है वहां से कुछ छाल उतरती है सूखी, वो बाजार में मिलती है, आप खरीदेंगे तो 25-30 रुपए किलो में मिलेगी, बहुत सस्ती। इस अर्जुन की छाल को धूप में सुखा के पत्थर में पीस के बना लीजिए इसका पाउडर, आधा चम्मच पाउडर आधा गिलास गर्म पानी मिला के ले लीजिए। बहुत अच्छा होगा कि आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर को आधा गिलास गर्म पानी में उबाल दें और खूब उबलने के बाद इसको चाय की तरह से पिएं।